गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करेंगे मेरे महान बच्चों से। ये उठ चुके हैं बट उठ के भी उठना नहीं चाहते हैं। स्टोनर सुस्ती वाले लड़के उठ जाओ ना जी। हम तो दुनिया में सोने आए हैं, खाने आए हैं, पीने आए हैं और पॉटी करने आए हैं। और क्या करने आए हैं? वॉक वॉक पे जाने। वॉक के नाम पे थोड़ा रिएक्शन आता है। चलो फिर चलो चले वॉक पे चलो। आज संडे है, मेरे पति देव घर पे है, पर हम क्या कर रहा है ये विली? उतार उसको, क्यों तंग कर रहा है? उतार पहले देख लो लुक कैसे आ रही। वाओ हैंडसम बॉय रैपर रैपर विली यो आई एम अ कूल बॉय। चलो उतार उसको, कंफर्टेबल नहीं है वो। स्टोनर को पता लग गया उसके भाई को तंग किया। उतार स्टोनर इसकी टी शर्ट। चलो ठीक है, आज हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। अरे ये लड़के, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, इनका तो यही चलता रहेगा, वही जो होता है हर मंथ प्रॉब्लम। हाय हाय, बता दे फिर स्टोनर तेरे को ज्यादा ही जबरदस्त काट इसको, काट ले बाबा, काट काट। नहीं कर रहे बिली कुछ। आपने क्या लगा हुआ है? आलू के परांठे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आज की जिम्मेवारी पति देव की है खाना बनाने की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ ठीक। तो खिलाएंगे मुझे आलू के परांठे। स्वाद बनाओगे? बहुत ठीक है फिर। चलो जी, जब बनेंगे आलू वाले परांठे दिखाते हैं आपको। आज तो बेड पे ही खाना मिलेगा, मजे ही मजे। स्टोनर मजे ही मजे। चल उतार दे तू। क्या मिक्सचर मैं ही बनाऊंगी, बना रही हूँ। मसाला मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि मुझे किसी के हाथों का मसाला बना हुआ अच्छा नहीं लगता। आलू के परांठों में नमक मिर्ची मसाला मेरे हिसाब से होगा। उसकी रेसिपी तो मैं अब देने नहीं लगी क्योंकि आज मैं बेड से उठूंगी नहीं। हम तो जी चिपक गए हैं इस बेड से, अब यही बेड आज के लिए मेरी दुनिया है। तो हमने बॉयल कर दिए हैं आलू में, हमने डाला है नमक, अजवाइन, लाल मिर्च, काली मिर्च, अमचूर पाउडर और अब हम डालेंगे हरी मिर्ची और प्याज। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया। काम तो मुझे ही करना पड़ता है आगे किचन में। कस्तूरी कस्तूरी मेथी रोस्ट कर दी है तो पकड़ाएगा कौन? पकड़ाओ पति देव, डाल लो कस्तूरी मेथी रोस्ट करके डाल लो आप। तो जी इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। मेरे हाथ में ये मत समझ लेना मेरे हाथ में, मेरे हाथ इतने कड़क नहीं है, बहुत नाजुक हाथ है मेरे। क्या मेरा गला नहीं दबा रहे? क्या मेरा गला नहीं है जो इतने जोर जोर से दबा रहे? सारी फ्रस्ट्रेशन अपने पति निकालो आलू पे। आलू पे निकालो फ्रस्ट्रेशन। चलो हो गए, ज्यादा भी नहीं। अब बनाओ परांठे और खिलाओ। ये देखो लोगों के यहाँ खाना बना दिया, गंद पा दिया, वो नहीं उठाया। टेढ़ा है पर पति के हाथ का है तो बहुत ही बढ़िया है। आलू भर भर के डाल लेना। तो जी आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, लंच जो भी है साथ में, ब्रंच। वाजिबा अच्छा लग रहा है। अचार दे दो और चाय दे दो और चटनी दे दो और मक्खन दे दो। खा के मिलते हैं आपसे। आई एम वेरी लकी कि माई हस्बैंड इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स मी। जब भी मैं ठीक नहीं होती या मेरे को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ही इज़ ऑलवेज देयर, ऑल देयर टू हेल्प मी। मैंने बोला था कि मैं बेड से उठूंगी नहीं, वो मजाक था। पहले मेरे पति ने मुझे बना के खिलाए, अब मैं अपने पति को खिला रही हूँ। मैं पति को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बिना वस्त्र ऐसे ही चलती है ना जिंदगी की गाड़ी। थोड़ा पति करे थोड़ा बीवी करे, है ना? तू भी कुछ कर ले। खाएगा पराठा? इसको पंपकिन खिलाना, देखना कैसे फेंकेगा।
खत्म नहीं कर दूंगा। नहीं पंपकिन कैसे निकाल, पंपकिन कैसे, यार तेरे मुंह में पोनी लगी हुई है स्टोनर। ये देख, ये सुनो, ये देख, आधी चीज पूरी वो कर लेगा और पंपकिन साइड से प्रच करके निकाल देगा। खा लिया? शुक्र है, शुक्र है। पंपकिन को पीछे रखना पड़ता है चावलों की बाइट के और चिकन की बाइट के पीछे। इसको खाना खिलाना भी बहुत बड़ा जिंदगी का टास्क है हमारी। पिछले 3 साल से आधी जिंदगी इसको खाना खिलाते खिलाते निकल गई हमारी। और आती क्या, आती बनाते बनाते और आती खिलाते खिलाते। लोग कहते हैं बच्चा पैदा कर लो, भैया ये हमारा बच्चा ही है, ये भी और इसके दोनों भाई भी शहजादे हैं, शहजादे। ये है खाना खाने के बाद चद्दर का हाल, इसीलिए हमें रोज रोज बेडशीट चेंज करनी पड़ती है यार। दिखाई जा रही है तुम पागल, क्या चद्दर का हाल। तो मेरे व्लॉग अनस्क्रिप्टेड है, अपना भी दिखा, मेरा हाल नहीं अभी दिखा सकते, डर जाएंगे। स्टोनर जी ठंडा पानी पीते हैं हमारे, नहीं देख रहा स्टोनर तुझे कोई, ठंडा और फ्रेश। वाह स्टोनर जी वाह, ठंडा है। कोई नहीं पीलो आप। लड़ाई हो गई, लड़ाई 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 लड़ाई। मजे ले रहा है स्टोनर के। हमारा और बच्चों का खाना पीना हो गया है, अब हम देखेंगे बाहर जाना है कि नहीं जाना घूमने। मैंने नहीं जाना आज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आज, हम रेस्ट मोड पे लग गए हैं। तो अब हम देखेंगे नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी। पहले 15-20 मिनट तो हमारे बहस में ही निकलेंगे कि कौन सी मूवी देखें कौन सी नई मूवी देखें। मुझे थोड़ी थ्रिलर टाइप्स मूवीज पसंद हैं और इनको कॉमिक, और कौन सी पसंद है, कॉमिक और एक्शन। एक्शन मूवीज आई हेट। चलो जी फिर मिलते हैं आपको, हम थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ नहीं है, मेरा पार्सल आया है और मेरे पति का रिएक्शन क्या, ये सागर का पार्सल है। अभी पिछले हफ्ते 3 आए हैं तुम्हारे, अभी भाई सागर का है। ठीक है ठीक है, अपने काम से काम खोल के दिखाओ, खोलो खोलो सागर का, अभी नहीं खोलना, नहीं नहीं खोलो सागर का, अभी उसका यार पैक ही रहने दे। स्टोनर काट ले अपने पापा को, छोड़ पकड़ा मेरा है। बच्चों का वैक्सीनेशन डे, इनकी ईयरली वैक्सीनेशन जो होती है वो हम देख लेते हैं। लियो की तो, लियो की नहीं होनी अभी, लियो का है टाइम इसकी अगस्त में ड्यू थी, अभी अगस्त तो निकल गया देखा। इसकी भी विली की, विली की भी इसमें तो जनवरी। वैक्सीनेशंस आपके डॉग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। स्टोनर जी के लिए मेरा स्टोनर, कितना भोला, कितना प्यारा, कितना सुंदर। मम्मा का लड्डू, मम्मा का पेड़ा, मम्मा की खुशियाँ, मम्मा की जान, चिक्की चिक दो। आपके लिए एक गाना और, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेमतलब की बातों में कहीं डूब ना जाए रहना। साला हमारे व्लॉग्स में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ तो कहो लोगों, लोगों का काम है कहना, प्लीज। तो चपाती हमारी बन गई है, सब्जियां भी बन के रेडी है, चिकन
देसी चीज़ चिली। अब इसको खा के हम ख़त्म कर देंगे। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, घर पे हमने किया अपना टाइम स्पेंड। वैसे तो वीकेंड्स हम बाहर ही जाते हैं, बट इस वीकेंड पे बच्चों की वैक्सीनेशन हुई थी तो बाहर जाने से इम्पोर्टेंट था उनके साथ रह के टाइम स्पेंड करना। तो अब इस व्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बुबू।